Never miss a moment of 2014 FIFA World Cup. I, me and my live sports dot in, simply sportainment. मैंने वैसा ही क्या हुजूर, जैसा कि आपने कहा था। तुम्हारे अपने ही घर में गद्दार है प्रताप। आज जो युद्ध हुआ उसके लिए जिम्मेदार हैं मारवाड़, जिन्होंने खुद हमें यहाँ तक पहुँचने का महफूज रास्ता बता दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। अब प्रताप अपने लोगों की मौत का बदला मारवाड़ से लेगा। सच पूछिए तो खान बाबा, प्रताप को मारने के बाद भी हमें इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी हमें अब होने वाली है। राजपूतों का खून राजपूत की बहा, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है खान बाबा। प्रताप को तो हम आहिस्ता आहिस्ता मारना चाहते थे। अगर हमने उसे एक ही बार में मार दिया तो फिर खेल का मजा ही चला जाएगा खान बाबा। हम आपकी इस बात से पूरी तरह इत्तफाक रखते हैं शहंशाह। आपकी इस दोहरी चाल से पूरे राजपुताने में एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठ जाएंगी। सुभान अल्लाह। हाँ, जब राजपुताने की दो अहम रियासतें मेवाड़ और मारवाड़ आपस में लड़ेगी तो चोट सीधे सीधे प्रताप के दिल तक पहुंचेगी। ये लीजिए ये शह और मात। जलाल, अब मारवाड़ की सेना के कपड़े पहन हमारे सिपाहियों की बेरहमी से कटी लाशों को बड़े एहतियात के साथ मारवाड़ के राजा मालदेव के पास भिजवा दिया जाए। तो फिर मालदेव शर्तीय प्रताप और मेवाड़ से बदला लेने के लिए आग बबूला हो जाएगा। राजा जी, आज तक हमने कभी भी आपके राजनैतिक और प्रशासनिक कामों में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन आज मेवाड़ के इस युद्ध को लेकर हमारे मन में जो विचार है हम अवश्य विनम्रता के साथ आपके सामने रखना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमें यह लगता है कि इस युद्ध में जीत चाहे किसी की भी हो, इस युद्ध के परिणाम में होने वाली अशांति, पीड़ा, दुख आने वाले कई पीढ़ियों तक दोनों राज्यों के संबंधों में कड़वाहट घोलता रहेगा। राजा जी, चलिए जनता और राज परिवारों के संबंधों को अगर हम भूल भी जाएं, लेकिन आपकी लाडली पोती फूलकवर, उनके मन में मेवाड़ के राजकुमार के प्रति जो भावनाएं हैं उनका क्या? राजा जी, हमें नहीं लगता इस युद्ध के बाद फूलकवर कभी भी पहले की भांति खुश रह पाएंगे, इसलिए हमारा यही कहना है कि आप एक बार फिर से इस युद्ध के बारे में सोच लीजिए। यह युद्ध करके क्या मिलेगा? क्या इस युद्ध से आपको वीर भाई मिल जाएंगे? प्रश्न वीर भाई जी का नहीं है, प्रश्न है हमारे अपमान का। और यदि आप इसी समय हमारे सामने इसे अपमानित करके निकाल देते हैं तो हम आपकी सभी बातों पर विश्वास करते हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि आपके कहने पर
हम अपनी पत्नी को निसहाय छोड़ देंगे। उस हल का, उस विश्वासघात का जो राणा उदय सिंह ने हमारे साथ किया है, यदि आप हमारे इस अपमान को युद्ध के लिए उचित नहीं समझते, तो आपको मारवाड़ की रानी बने रहने का कोई योग्य नहीं। बड़े दादा, आप अपने सभी राज कर्मचारी दास और दासियों से कह दीजिए कि वे हमें कुछ भी करने के लिए विवश ना करें। बोलिए, आप क्या नहीं चाहती? हम अपने कक्ष में चुपचाप बैठे तो बाहर निकल के उद्यान में सैर करने को कहते, हमें सुबह होते श्रृंगार करने को कहते, शाम को मनोरंजन कक्ष में जाने को कहते। बड़े दादा, आप उनसे कह दीजिए कि हमें कुछ भी करने के लिए विवश ना करें। वे सब, आप भोजन नहीं करना चाहती, श्रृंगार नहीं करना चाहती, उद्यान में सैर नहीं करना चाहती, मनोरंजन नहीं करना चाहते, तो फिर आप क्या चाहते हैं? हमें बस अपने कक्ष में अकेला रहना। आप उन सभी से कह दीजिए कि कोई भी हमें तंग ना करे। राजा जी, स्वयं अपनी आंखों से देखिए, आपकी लाडली पोती जिसे आपने इतने लाड प्यार दुलार से बड़ा किया है, जो आपकी आंखों का तारा है, वो दो ही दिन में कैसे मुरझा सी गई है। कहीं ऐसा ना हो कुंवर प्रताप के लिए उनकी भावनाएं और हमारा मेवाड़ से युद्ध उन्हें हमेशा के लिए निराश ना कर दे। हमारे हुकुम, एक महत्वपूर्ण बात है, आपको इसी समय चलकर देखना पड़ेगा। क्षमा कीजिए रानी, अब तो रानी माँ, जब हम मारवाड़ को युद्ध में हरा दें तभी लगाइएगा तिलक, विजय तिलक। राजीराज, हमें सैन्य संचालन का निरीक्षण करना। अब चलिए हम आते हैं। इस युद्ध में कुंवर प्रताप के कई मित्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हमें मारवाड़ के विरुद्ध अपने बचाव पक्ष को सुदृढ़ कर उनके आक्रमण को मुंह तोड़ उत्तर देना है। अब मारवाड़ के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता या किसी भी तरह की कोई बातचीत के लिए कोई स्थान नहीं बचा। मालदेव, हमारे सिपाहियों को आपके सिपाहियों की लाशें मिली और हमें लगा कि इन्हें आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। राजा मालदेव, मेवाड़ ने आपके सिपाहियों के शहीद होने के बावजूद भी उनके साथ जैसी हैवानियत दिखाई है, ऐसी दरिंदगी तो हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोची हो। दुश्मन तो आपका और हमारा दोनों का एक ही है, इसके खिलाफ आपको कभी भी किसी भी किस्म की मदद दरकार हो तो जरूर बताइएगा हमें, आपकी जुबान कभी भी खाली नहीं जाएगी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब कोई पुनर्विचार नहीं होगा। हमारे सभी मित्र राज्यों को ये संदेश तुरंत भिजवा दो कि अब हमें उनका मौखिक समर्थन नहीं चाहिए। अब हम चाहते हैं कि मेवाड़ से युद्ध के लिए
उनकी सेनाएं मारवाड़ की सेना का साथ दें। अब ये एक ऐसा भयानक युद्ध होगा जो इससे पहले राजपुताने के इतिहास में न पहले कभी हुआ है न कभी होगा। अब इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। आरती और तिलक तो शगुन होता है ना, शगुन और अपशगुन की समझ होती तो आप इस महल में पैर कभी ना रखते। क्या सही नहीं कहा हमने? जब से इस महल में आपने अपना पांव रखा है, इस महल का हर आनंद, हर उल्लास, हर उत्सव सोग में बदल गया है। जीवन का हर संगीत मृत्यु का अभिशाप बन गया है। जिन दो राज्यों में संबंध बनने जा रहा था, आज वही दो राज्य एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे कुंवर प्रताप का विवाह होने वाला था, अभी अभी उन्होंने अपने सारे मित्र खो दिए और फिर से एक संकटपूर्ण संग्राम पर चल पड़े हैं। इन सबका उत्तरदायी कौन है? सच बताइए राणा जी के खेमे में जाने से पहले क्या आपने नहीं सोचा था कि सुबह क्या होगा? जानबूझकर अपने राणा जी को फंसाया ना? हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। हमें क्षमा कर दीजिए। आपको क्षमा करने से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का युद्ध रुक जाएगा? हम भी नहीं चाहते कि ये युद्ध हो। फिर भी इस युद्ध के लिए भूमि का तो रच दिया, यहाँ तक कि आपके पिताजी राज राणा जैत सिंह जी भी मारवाड़ की ओर से हमारे कुंवर प्रताप और राणा जी के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और आप चाहती हैं कि हम आप पर विश्वास करें? हम ये मान लें कि आपको मेवाड़ के लिए आस्था और प्रेम है। हम ये मानते हैं कि आप और आपका परिवार देशद्रोही है। बस धीरबाई जी, बहुत हो गया। धीरबाई जी, आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए। आपको महान बनने का बहुत चाव है ना जीजा, कि आप वीर भाई जैसा अपमान भी चुपचाप सह रही हैं। आपका तीसरा निशाना भी चूक गया। ये हो क्या गया है आपको खान बाबा? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मसला क्या? कोई परेशानी? परेशानी ये प्रताप, अगर प्रताप ये जंग भी जीत गया तो अभी अभी तो उसने हमारी फौज को हराया है, जबकि उस वक्त हालात हमारे लिए बहुत माकूल थे, फिर भी उसने हारा। खान बाबा, पता नहीं क्यों आप मालदेव को इतना कमजोर मान रहे हैं। आखिर उन्हें यूं ही तो राजपुताने का सबसे मजबूत राजा नहीं कहा जाता? मालदेव बड़ा ही तेज दिमाग और जाबाज जंगजू है, और उसकी सबसे कमाल की बात तो यह है कि वो फिजूल के उसूलों में उलझा नहीं रहे। उसे जो भी हासिल करना है उसे वो करके रहता है। पर हमें ऐसे ही शातिर लोग पसंद है खान बाबा, जो अपने मकसद को हासिल करने के लिए हमेशा सिया सफेद कुछ भी कर गुजरने को आमादा रहते हैं। जहां तक हम जानते हैं, जंग से पहले ही मालदेव मेवाड़ को पूरे राजपुताने में अकेला कर देगा। महाराज, बीकानेर, आमेर, डूंगरपुर की सेनाएं भी हमारा साथ दे रही हैं।
ये तीनों राजा की सेनाएं गोवर्ड पहुंच रही हैं, जहां से ये हमारी सेना के साथ सम्मिलित हो जाएंगी। उत्तम, अति उत्तम। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी सेना मेवाड़ की सेना से 5 गुनी बड़ी हो जाएगी। लेमाना के मालदेव प्रताप के खिलाफ बहुत बड़ी फौज चुका, लेकिन खुद प्रताप का क्या करेगा? तो प्रताप मैदान जंग में चीते की मानिंद फुर्तीला, लोमड़ी की मानिंद चालाक हो जाता है। आप में एक मुकम्मल फौज है, वो मुकम्मल फौज। जितना हम मालदेव को जान पाए हैं, वो जरूर इस मुसीबत के मुतालिक सोचेगा और प्रताप के खिलाफ कोई ना कोई माकूल जवाब पैदा कर ही लेगा। मुझे पता है कि प्रताप के युद्ध कौशल और साहस को यदि कोई सशक्त चुनौती दे सकता है तो वो है प्रताप का गुरु आचार्य राघवेंद्र। पर आचार्य राघवेंद्र ऐसा करने के लिए तैयार क्यों होंगे? वो प्रताप के विरुद्ध जाने के बजाय हंसते हंसते अपने प्राण देना अधिक उपयुक्त समझेंगे। राजा मालदेव सिंह नाम है मेरा, किसके विरुद्ध किसको कब उतारा जाए, ये हमसे अच्छा पूरे राजपुताना में कोई नहीं जानता है। अगर मालदेव ने इस जंग में प्रताप का जवाब ढूंढ लिया तो ये जंग बेहद खौफनाक हो जाएगी। इतनी खौफनाक हो जाएगी कि राजपुताना की ये दोनों सबसे बड़ी रियासतें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी। बर्बाद। यही तो हम चाहते हैं खान बाबा, नहीं? कुंवर प्रताप, हम इनके प्रदर्शन से, इनके कौशल से प्रभावित हुए, किंतु हमारी चिंता का विषय कुछ और है। कैसी चिंता दाजीराज? आप तो जानते हैं कुंवर प्रताप कि मारवाड़ के साथ राजपुताने के दूसरे सभी राज्यों की सेना है, किंतु हमें केवल अपनी सेना के साथ ही उनसे युद्ध करना है। आप एक व्यक्ति को भूल रहे हैं दाजीराज, जो अकेले ही कई सेनाओं के बराबर। कुंवर प्रताप, आप आचार्य राघवेंद्र की बात कर रहे हैं, किंतु उनका स्वास्थ्य अब तक पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ। वे रणभूमि में हमारे साथ खड़े हो जाए, बस उनका नैतिक सहयोग ही हमारे लिए बहुत है दाजीराज। युद्ध के समय उनके उपाय, उनके सुझाव, उनकी भांति भांति की युक्तियां हमें पंच गुना अधिक शक्तिशाली बना देती है। और क्या चाहिए हमें दाजीराज? दाजीराज, हम गुरुवर के आश्रम जाकर देखते हैं उनके स्वास्थ्य में क्या प्रगति हो रही है। ठीक है कुंवर प्रताप, चाहिए। जैन सिंह पधार रहे हैं। जैन सिंह जी यहाँ? खंभा घड़ी, घड़ी खंभा, पधारिए जैन सिंह जी। मेवाड़ में आपका स्वागत है। हमें प्रसन्नता इस बात की है कि युद्ध में हमारे विरुद्ध होते हुए भी आपने यहाँ बेझिझक आने का साहस किया। राणा जी, हमने निर्णय लिया है कि इस युद्ध में हम आपका साथ देंगे। क्या? परंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जय सिंह जी, राजा मालदेव आपके दामाद। दामाद तो आप भी हमारे बन चुके हैं। हाँ हाँ जय सिंह जी, वो तो ठीक है, लेकिन आपका राज्य मारवाड़ के पास है और राजनीतिक रूप से भी खेड़वा और मारवाड़ आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक कह रहे हैं राणा जी आप, ये निर्णय हमारे लिए सरल नहीं था, किंतु बात जब धर्म की हो तो अधर्म के साथ कैसे चले जाएं? ये युद्ध
हमारी बेटी वीरबाई के मान सम्मान को राजा मालदेव से बचाने के लिए हो रहा है, तो इसमें हम राजा मालदेव का साथ कैसे दे सकते हैं? यदि आप चाहते तो हमारी बेटी को राजा मालदेव के दबाव में छोड़ भी सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने धर्म का साथ दिया, तो हम आपका साथ देंगे। ये युद्ध हम आप ही की तरफ से लड़ेंगे राणा जी, हम आपके साथ हैं। जय सिंह जी, इस समय आपका हमारा साथ देना हमारे लिए बहुमूल्य। मेवाड़ आपके इस आभार को कभी नहीं भूलेगा। इससे पहले कि बाबर राणा संगा की ओर एक कदम भी उठाए, हमारे बड़े दादा ने अपनी तलवार निकाली और कूद पड़े उनके सामने। सूर्यास्त तक सबके साथ लड़ते रहे। जब तक शरीर में प्राण थे ना, तब तक किसी को एक कदम भी बढ़ाने नहीं दिया महाराणा की ओर। जैसे हमारे प्रपिता ने अपने कुल का नाम उज्जवल किया है ना, आप भी हमारे कुल का नाम उज्जवल करेंगे कुंवर बलवंत। दादा, कुंवर बलवंत को आपको ये कहानी भी सुनानी चाहिए कि कैसे साधारण से निजी मुटाव आधार बना पीढ़ियों से चलती आ रही मैत्री को भी भुलाना जानते हैं। कहना क्या चाहती हैं आप? यही दादा, कुंवर बलवंत को भी पता चलना चाहिए कि उनके दादा के पास जब धर्म युद्ध का अवसर आया, तो उन्होंने धर्म का साथ ना देके अधर्म को अपरोक्ष लाभ पहुंचा दिया था। आज तक आप सदा धर्म का साथ निभाते आए, इसलिए एक साधारण सी बात के लिए आपने राणा जी का साथ छोड़ दिया। साधारण सी बात? आपके अपमान को आप साधारण सी बात कह रही? सारे परिवार ने आपको अपमानित करके महल के बाहर निकाला है। अच्छा हुआ जो कुंवर प्रताप के सामने न आने का निर्णय लिया है आपने। वैसे ही काफी कठिनाइयां पैदा कर चुकी हैं। हमें लगता है कि आपको भूमिगत हो जाना चाहिए। उसे आप साधारण सी बात कह रही? ये केवल आपका अपमान नहीं है, हमारा भी अपमान है। पर धर्म युद्ध से तो सारी राजपूताने की सुरक्षा का प्रश्न जुड़ा है दादा। इतने बड़े संदर्भ के सामने हमारा ये अपमान साधारण सी बात समझी जानी चाहिए। महत्वपूर्ण वर्षों से चली आ रही आपकी और राणा जी की मृत्युता और संकट में भी मित्रता नाम निभाना कहां का उचित है? फूल कवर के साथ आपने मित्रता निभाई थी ना, क्या हुआ आप अपमानित होती रही पर मित्रता निभाती रही? क्या मिला आपको? अपमान ही ना। दीजिए उत्तर। क्या आप राजा मालदेव जी के विरुद्ध लड़ेंगे? हाँ। विश्वास ही नहीं हो रहा है हमें दादा। हमने तो उनके विरुद्ध आज तक आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं सुना, फिर कैसे शस्त्र उठाएंगे आप अपने दामाद के? आज तक हम चुप रहे, पर हम ये जानते थे कि अपनी बेटी का विवाह उनके साथ करके अनजाने में हमने अपनी बेटी को दासी बना दी। जैसे हमने खेरवा की भलाई के लिए राजा जी से विवाह किया था, ठीक उसी तरह आपको भी खेरवा और हमारी रक्षा के लिए उनकी बात माननी होगी। पर राजा मालदेव ने जिस प्रकार आपके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा, उनके उस अपमानजनक दुस्साहस का उत्तर देने का अवसर मिला है हमें। राणा उदय सिंह जी ने हमें यह अवसर दिया है कि हम अपनी दोनों ही बेटियों को ये बता सकें कि हम भी राजपूत हैं, हम भी अपनी आन मान और शान के लिए लड़ना जानते हैं। और देखिएगा, इससे आपकी जीजा सौभाग्यवती का मान उनके ससुराल में कम नहीं होगा बल्कि पड़ेगा। हम जानते हैं आप ये सब हमारा मन रखने के लिए कह रहे हैं, पर आप ये भी जानते हैं
कि इस युद्ध में जीजा का सुहाग उजड़ भी सकता है? इस युद्ध में दोनों और सुहाग तो मेरी ही बेटियों का दांव पे लगा, और जहां तक धर्म की बात, मेवाड़ का साथ देना ही पड़ेगा। और हम निर्णय कर चुके हैं, अच्छा होगा आप भी धर्म का साथ देना सीख। जाइए पूरे आदर और सम्मान के साथ, आचार्य राघवेंद्र को हमारा संदेशा दीजिए। यदि हमारा संदेशा पढ़ने के पश्चात वो हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दें, तो इसकी सूचना हमें तुरंत दी जाए। यदि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो तो हम राजा जी से एक आवश्यक बात करना चाहते हैं। आपको ये बात हमें कितनी बार समझानी पड़ेगी महारानी उमा देवी, कि राजकीय मंत्रणा में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, आपको भी नहीं। यही हमारे दरबार का नियम है और यही हमारे दरबार की मर्यादा है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक आपकी पत्नी और मारवाड़ की महारानी होने के नाते हमने कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। यदि हमने परिस्थितियों का सही अनुमान लगाया है तो इस युद्ध में आचार्य राघवेंद्र ही एक ऐसा मोहरा है जो प्रताप को हरा सकते हैं, और वो भी अकेले। आपका अनुमान सही है, बात भी कुछ ऐसी ही है। तो फिर हमें आचार्य राघवेंद्र को अपनी ओर करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि हमें आचार्य राघवेंद्र को संदेशा ना भेजवा कर हमें स्वयं उन्हें जाकर आमंत्रित करना चाहिए। जी राजा। किंतु एक बात हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी दिलचस्पी प्रताप को मिटाने में क्यों है? क्योंकि उन्होंने हमारे फूल का मन दुखाया, उनकी भावनाओं का अपमान किया। बात तो आप दोनों सही कह रही हैं उमा देवी जी, किंतु आप इतनी संवेदनशील हैं नहीं जितनी आप दिखाई दे रही हैं। बात कुछ और है, बताइए वो बात क्या है। राजा जी, अब जबकि फूल का विवाह प्रताप के साथ हो ही नहीं सकता, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी छोटी बहन का सपना पूरा करें, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। कैसा सपना? अपने बेटे जगमाल को मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठाने का सपना। नहीं दे पाया। आचार्य जी आप लेट जाइए। बधाई हो, अब आचार्य जी संकट से बाहर हैं। हमने जो रक्षा द्वार बनाया था, उस द्वार का क्या हुआ? क्या हम मुगलों से पराजित हो गए? गुरुवर, मुगल सेना पराजित होकर मैदान छोड़कर भाग गई है। आपने जो चित्तौड़ की सुरक्षा के लिए कवच बनाया था, उस पर आप और बावजरस प्रताप हर आक्रमण के उपरांत भी डटे रहे थे। राणा जी स्वयं चित्तौड़ से सेना सहित आए और बची हुई मुगल सेना के ऊपर वार करके उन्हें भगा दिया।
पकड़ो उन्हें। इस युद्ध में हमारे इतने मित्र, इतने शिष्य वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में विजय होने का उत्साह भी हम प्रकट नहीं करना चाहते। ये तो फिर भी मुगल थे आचार्य, पर अब जब मेवाड़ और मारवाड़ आपस में लड़ेगा तो भगवान जाने और कितनों को खोना पड़े। रुकिए गुरुवर, आप कहाँ जा रहे हैं? राजपूत जी ने आपको विश्राम करने का निर्देश दिया है, आप ऐसी अवस्था में कहाँ जा रहे हैं गुरुवर? हमारे विश्राम से अधिक इस समय को प्रताप को हमारी आवश्यकता है। मारवाड़ एक बहुत ही सामर्थ्य और शक्तिशाली राज्य है। राजा मालदेव ने अवश्य ही इस युद्ध के लिए विशाल सेना एकत्रित कर ली होगी। राजन, आप इस समय यहां? प्रणाम आचार्य राघवेंद्र। समय और परिस्थिति की परख हमें भी अच्छी तरह से। हमारे रहते हुए आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस धर्म संकट था, मन में कुछ आशंकाएं थी, वही आशंकाएं आपसे दूर करने के लिए चला आया। आपका अधिक समय नहीं लूं। बताइए। महाभारत में गुरु द्रोण थे, उनका आचरण धर्म सम्मत था या धर्म विरुद्ध? धर्म सम्मत। महाभारत के इस महायुद्ध में गुरु द्रोण ने किसका साथ दिया? दुर्योधन का। दुर्योधन का क्यों? अर्जुन तो उनका प्रिय शिष्य था, तो युद्ध पांडवों के पक्ष में करना चाहिए था। गुरु द्रोण ने दुर्योधन के पक्ष में युद्ध क्यों किया? क्योंकि वह कौरव राज सिंहासन के ऋणी थे। क्यों आचार्य? जब द्रोणाचार्य के पास कुछ नहीं था, अपने पुत्र अश्वत्थामा को दूध पिलाने का सामर्थ्य भी नहीं था उन्हें, तब पितामह भीष्म ने उनके गुणों के महत्व को समझकर उन्हें अपने राजकुमारों का शिक्षक नियुक्त किया, मान सम्मान दिया, उनके आश्रम को बनवाया। यही कारण है कि कौरवों के लिए युद्ध लड़ना उन्हें अपना धर्म सम्मत करा। अब हमारे इस संदर्भ में गुरु द्रोण कौन है? हमारे पिताजी। और वो दूध के लिए रोने वाला बच्चा? हम। तो किसकी ओर से ये युद्ध लड़ना आपको धर्म सम्मत लगता है? मेवाड़ के या मारवाड़ के? ये सत्य है कि हम आपकी ऋणी हैं। चुका दिया वो ऋण या नहीं चुकाएंगे? चुकाएंगे। वही सहायता हम आपकी करने आए हैं आचार्य राघवेंद्र। ये युद्ध आप हमारे पक्ष में लड़े और वचनबद्ध होकर लड़े और सदा सदा के लिए इस ऋण से मुक्त हो जाइए। किंतु इस समय हम मेवाड़ में और कुंवर प्रताप हमारे प्रिय शिष्य भाई जी राणा उदय सिंह की पत्नी है, गौरव है मेवाड़ का। वो तो आप मेवाड़ के अतिथि हैं, इसलिए हमने आपकी इतनी बात सुन ली, अन्यथा। राजन, ये हमारा आश्रम है, आपकी रणभूमि नहीं। यहाँ पे शस्त्र निकाले जाते हैं केवल युद्ध प्रशिक्षण के लिए, युद्ध लड़ने के लिए नहीं। हम आपसे और आपके सैनिकों से आग्रह करते हैं हमारे आश्रम की मर्यादा का पालन किया जाए। लीजिए आचार्य राघवेंद्र, हमने अपनी मर्यादा का पालन कर दिया। आशा करता हूं कि आप भी अपनी मर्यादा का पालन अवश्य करेंगे। आपके पिता और दादा ने हमें वचन दिया था कि जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, आपका पूरा परिवार अपने प्राणों की आहुति देकर
हमारी रक्षा करेगा और हमारा साथ देगा। हम आज पूरे आदर और सम्मान के साथ आपसे ये निवेदन करने आए हैं, इस मेवाड़ और मारवाड़ के महायुद्ध में आप हमारी सेना का साथ देकर मारवाड़ का और हमारी सेना का सम्मान बढ़ाएं। ये नहीं हो सकता राजा मालदेव जी। हमारे गुरुवर कोई राजा नहीं जिन्हें आप अपने साथ युद्ध में सम्मिलित करने के लिए विवश कर सके, इसीलिए ये हमारी ओर से लड़ेंगे। आपके गुरु हमारे ऋणी हैं और हमारे प्रति वचनबद्ध भी। ये किस ऋण की बातें कर रहे हैं आपसे गुरुवर? आपने ही तो हमें युद्ध धर्म की शिक्षा दी है, आपने ही तो हमें सिखाया कि जहां सत्य है वहां धर्म। बोल दीजिए ना गुरुवर, इस युद्ध में धर्म मेवाड़ के साथ, इसीलिए आप मेवाड़ की ओर से लड़ेंगे। बोलिए आचार्य राघवेंद्र, निसंकोच होकर बोलिए। आप अपनी इच्छा अनुसार भूतकाल को भुला नहीं सकते हैं और ना ही धर्म की परिभाषा बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते? धर्म की भाषा तो सदा समय और आवश्यकता के अनुसार बदलती आई है राजा मालदेव जी। मेवाड़ में ऐसा होता है कुंवर प्रताप, मारवाड़ में क्या होता है इसका हमें आभास है। शांत हो जाएं आप दोनों। हमने आपसे पहले भी कहा है कि हमारा आश्रम है आपकी रणभूमि नहीं। हमें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। मेवाड़ और मारवाड़ के इस महायुद्ध में आप हमारी सेना का साथ देकर मारवाड़ का और हमारी सेना का सम्मान बढ़ाएं। आपके गुरु हमारे ऋणी हैं और हमारे प्रति वचनबद्ध भी। रानी मां, आपके यो रात रात भर जागने से युद्ध का परिणाम तय नहीं होने वाला है, ये बात जानती है ना? फिर क्यों इतनी रात क्या चिंता करें? जाइए विश्राम कर लीजिए। जब इतने विशाल और भयानक युद्ध का कारण सब हमें ही बना दे तो फिर कैसे कर सकते हैं विश्राम? क्षमा करिए छोटी माँ, क्षमा कीजिए, वो हमने आपको आते देखा नहीं था। बोलिए क्या क्या है? आप भी जानते हैं कुंवर प्रताप, इतने भयानक युद्ध से पूर्व इतनी रात के इन व्यर्थ औपचारिकताओं का ना तो कोई अर्थ है और ना ही कोई औचित्य, और ना ही हम यहाँ पर किसी को आज्ञा देने के योग्य हैं। हम तो बस आपसे एक प्रार्थना करने आए कुंवर प्रताप। कैसी प्रार्थना छोटी माँ? छोटी माँ कहा है ना आपने, तो क्या एक माँ अपने पुत्र से कुछ मांग सकती है? बोलिए छोटी माँ। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं ये युद्ध रुकवा दीजिए कुंवर प्रताप। हमें पता चला है शहंशाह कि इस जंग में मेवाड़ और मारवाड़ की बहुत सी रिश्तेदारियां हैं, यहां तक कि दोनों के शाही खानदानों के बीच के आपस के बहुत सारे रिश्ते फंसे हुए हैं। आप कहना क्या चाहते हैं खान बाबा, आखिर मसला क्या है? मसला ये है शहंशाह कि अगर किसी ने प्रताप को रिश्तों की दुहाई देकर इस जंग को खत्म करने की इल्तिजा कर दी, या फिर कम से कम इस जंग से दूर रहने की गुजारिश कर दी, तो और प्रताप ने अगर जंग से ऐन वक्त पे अपने कदम वापस खींच लिए तो फिर राजपुताने में हमारी फूट डालो और फतेह हासिल करो वाली तजवीज का क्या होगा? आप देख रहे हैं ना कुंवर प्रताप कि क्या हो रहा है इस युद्ध में, अपने ही अपनों के विरुद्ध युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हम जानते हैं राजा मालदेव जी में कई बुराइयां हैं, क्रोधी हैं भी, अहंकारी भी हैं, पर हैं तो हमारे जीजा के पति। अब आप ही बताइए कैसे हम जीजा के विधवा होने की कामना करें। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, रोक लीजिए ये युद्ध। जितना हम प्रताप को जानते हैं खान बाबा, प्रताप अब जंग से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि हाल ही में हुई जंग में उसने अपने कई दोस्तों को गवाया है, अपने सामने अपने लिए अपने दोस्तों को खून बहाते हुए देखा है। यकीन इस बात का जिम्मेदार वो राजा मालदेव को ही मान रहा होगा, और प्रताप के दिल में दोस्ती के जज्बे की कितनी कद्र है ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम खान बाबा। क्षमा कीजिए छोटी माँ, किंतु अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि किसी के लिए भी पीछे हटना संभव नहीं। युद्ध का आरंभ तो मुगलों को मेवाड़ तक का सुलभ मार्ग देकर राजा मालदेव जी कर ही चुके हैं। मेवाड़ के वीरों का रक्त बह चुका है मेवाड़ की सुरक्षा में। हमें तो इस युद्ध को समाप्त करना है, अपने मित्रों के शवों के सामने हमने शपथ ली है कि हम उनकी मृत्यु का बदला अवश्य लेंगे। इसलिए युद्ध तो अब होकर ही रहेगा।